जी हम लाइव है। जी अली हम लाइव है, आप स्टार्ट कर सकते जी ठीक है, मैंने अभी स्क्रीन शेयर कर दी है, एक मिनट। तो हम सबसे पहले इस हमारे कोर्स की आउटलाइन देखेंगे। हम सबसे पहले अपने मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही है? जी जी। विजिबल सर, आ रही है। कोर्स की आउटलाइन देखेंगे। तो कल हमने ये सारी चीजें की थी, इंटीजर फ्लोट वगैरह, ये सारी आउटलाइन है, ये मैं आज पिन कर दूंगा तो आपको मिल जाएगी। कोर्स के अंदर पिन कर दूंगा, सबको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कल ये सारी चीजें की थी, इंटीजर फ्लोट ये सारी चीजें की थी। आज हम इन्हें रिवाइज करेंगे और फिर कल से हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि हम सबसे पहले बेसिक, बिल्कुल बेसिक करेंगे, जिस तरह इंटीजर वगैरह डेटा टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। उसके बाद हम ऐसा ऐसा एडवांस की तरफ जाते जाएंगे, लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे, कुछ और फंक्शंस पढ़ेंगे इसके, और फिर हम क्या नाम है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस भी इसके पढ़ेंगे, और फिर डेटा कंपैरिजन ऑपरेटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरीके से पाइथन में कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीक में हम फंक्शंस पैरामीटर्स वगैरह देखेंगे, और इसी तरह हम एडवांस में तीसरे हफ्ते के बाद, फिर जब चौथा हफ्ता आएगा ना, चौथे हफ्ते, 3 हफ्ते में हम बेसिक से लेके बहुत हद तक इंटरमीडिएट पाइथन तक हम सीख लेंगे। उसके बाद हम करेंगे लीड कोड्स। लीड कोड्स बहुत जरूरी हैं प्रोग्रामिंग को अच्छे तरीके से समझने के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको डाटा स्ट्रक्चर की भी समझ आती है और प्रोग्राम सिनेरियो की भी समझ आती है, और किस तरीके से किसी प्रॉब्लम के का सोल्यूशन निकाला जाता है वो भी आप इससे समझ सकते हैं। हम बेसिकली आगे फिर प्रैक्टिस करेंगे, 3 2 हफ्ते हम फिर 3 हफ्ते हम प्रैक्टिस करेंगे, और 3 हफ्ते तक हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये आउटलाइन मैं पिन कर दूंगा, सबको तो मिल जाएगी। हम आजकल की क्लास रिपीट करेंगे। कल की क्लास में किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन है तो काइंडली पूछ लें, कोई सवाल, कोई चीज समझ ना आई हो। सर, कल जो हमने केस सेंसिटिव हमने पढ़ा था कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है पाइथन, तो जी उसमें आपने ये पढ़ा, ये लिख के बताया था कि एक्स इक्वल्स टू, आपने 20 लिखा था ये स्मॉल, और देन आपने जब अपर केस में कैपिटल एक्स लिखा तो इसको उसने प्रिंट नहीं किया था। तो बिल्कुल अगर हम यहाँ पे ये लिखें कि एक्स इक्वल्स टू 20 स्मॉल एक्स, और जो कैपिटल एक्स है इसको हम 40 कर दें, तो देन तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स की तरह ट्रीट होगा ना? लाइक ये तो नहीं है बिल्कुल कि इसको नहीं, बिल्कुल मीन्स डिफरेंट वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। केस सेंसिटिव का मतलब ही यही है कि वो अब अपर बड़ी केस और लोअर एबीसी और केस छोटी को, एबीसी ठीक को अलग अलग ट्रीट करेगा। मैं है। आपको वो डेमो भी दिखा देता हूँ, आप देखें। हम यहाँ ऐसे कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई स्मॉल ए है 20 और कैपिटल ए है 40। फिर हम इसे कहते हैं कि आपने हमें कैपिटल ए प्रिंट करके देना, ठीक है? तो ये हमें 40 प्रिंट करके दे देगा, ठीक है? इसने उसको एज अ अल्फाबेट नहीं लिया, केस उसके केस को पहले स्टडी किया है। सबसे पहले इसने ये देखा क्या चीज है। अच्छा, अल्फाबेट ए है तो ए बड़ा है या छोटा, तो अगर हमने बड़ा उससे मांगे तो वो बड़े की वैल्यू हमें उठा के दे देगा। इससे स्मॉल लेटर का कोई लेना देना नहीं, ठीक है? आपको समझ आ गई है? जी सर, और सर ये हम जब वेरिएबल को नेम देते हैं तो उसमें क्या हम डिजिट्स जो हैं 0 से 9 उससे स्टार्ट कर सकते हैं? लाइक हम कहें कि 2B, नहीं, अगर हम, डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते किसी ठीक है, भी बीच में यूज कर वेरिएबल का नाम। सकते हैं, जी मिड अंडरस्कोर में यूज कर यूज कर, सकते, किसके अंदर? मिड में यूज कर सकते हैं नंबर्स हाँ जी, को। मिड में, मिड में बिल्कुल, मिड और एंड में आप नंबर यूज कर सकते हैं। जिस तरह मैं 1 ए करूंगा तो ये यहाँ पे हमें एरर दे देगा। ये देखें, इससे सिंटैक्स एरर दे दिया। हमने कल इस बारे में बात की थी ना कि हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स होता है। जब तक हम जी उस जी बेसिक को डिस्टर्ब नहीं करते तब तक वो हमें एरर नहीं देता। यहाँ पे ठीक है, हमने वेरिएबल्स के सिंटैक्स को डिस्टर्ब किया है कि
इसने कहा है कि आप किसी भी वेरिएबल को डिजिट से नंबर से शुरू नहीं कर सकते, लेकिन हमने यहाँ पे इसकी वायलेशन किया तो इसने हमें एरर दे दिया। ठीक है, सही है और कुछ अगर किसी और को? जी। आफ्ताब, आपका क्या क्वेश्चन है? सर बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने यहाँ पे 2+2 जो है ना 4 प्रिंट करवाए, तो यहाँ पे जी, प्रिंट फंक्शन नहीं है, ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक कैसे हुए हैं सर, ये थोड़ा बताना सर। पाइथन, पाइथन की स्पेशलिटी है कि भाई बहुत सारी चीजें ना, बहुत सारी चीजों को ये बहुत इजी वे में लेकर आ गए, मतलब है कि ज्यादा कोड आपको नहीं लिखना पड़ता। तो पाइथन में ऐसे ही होता है कि आप बस ऐसे ही डायरेक्ट लिखेंगे, और अगर आपको इसमें सी प्लस प्लस में करना है तो आपको उसमें प्रिंट एफ वगैरह लिखना पड़ेगा, उसमें मस्ट है, उसमें नहीं कर सकते आप। पाइथन की अपनी स्पेशलिटी है, इसके अंदर आप इस तरीके से कर सकते हैं बगैर कोई वेरिएबल दिया। अच्छा सर, मैं वेरिएबल हम नहीं सिर्फ सर, यहाँ पर, सर जब हम अच्छा पहचान पे सर करते हैं, सर जब हम जी, पहचान पे तब करते हैं मैं वहाँ पे तो हम लिखते हैं ना कि प्रिंट a+b, तब वो प्रिंट करवाता है, तो यहाँ पे आपने प्रिंट का जो फंक्शन है वो कॉल नहीं किया, जस्ट ऐसे लिख दिया है सर। अली मैं क्या आंसर मतलब कर देता हूँ क्वेश्चन का। जी, ये कह रहे हैं कि इस सेल में आपने 2+2 किया और ये खुद ही प्रिंट हो गया विदाउट राइटिंग प्रिंट, बट अगर ये पाइचा में इस तरह से लिखते हैं तो प्रिंट नहीं होता, अगर ये वीएस कोड में इस तरह से लिखेंगे तो प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा, सवाल ये पैदा होता है। क्या ये पाइथन क्योंकि में जो फॉल्ट है? नहीं, जी ये पाइथन में फॉल्ट नहीं है, बेसिकली एडिटर का फर्क है। जुपिटर में अगर एक बिल्कुल सेल में, ये सेल बाय सेल होता है, एक सेल में अगर डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे, ये एक ही वैल्यू होगी, उसे प्रिंट कर देगा खुद, इसको जरूरत नहीं है हमें प्रिंट बताने की। दूसरा एक टूल है गूगल कोलैब, उसमें अगर आप ऐसे देंगे वैल्यू तो प्रिंट कर देगा, बट असल में रियल में प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करना पाइथन में बहुत ही लाजमी होता है, ये बात समझ ले। चाहे आप वीएस बिल्कुल कोड यूज करें, चाहे आप पाइचाम यूज करें, ठीक है, चाहे आप जुपिटर यूज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो प्रिंट आपने लाजमी यूज करना है ताकि आप आउटपुट देख सके। राइट, अब तक चले बात चले समझे सर, कुछ? चले सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। मतलब है कि ग्रेट, प्रिंट लाजमी है, ये इस तरीके से है कि आपको ये तो पता है कि पहाड़ से गाड़ी किस तरह गिराई जाती है, लेकिन आपको आपके लिए वो गिराना जरूरी नहीं, पता होना चाहिए कि एक अगर आप डायरेक्ट वैल्यू लेना भी चाहें इस इन एडिटर्स में, जिस तरह जुपिटर नोटबुक है, गूगल कोलैब है, ये आपको डायरेक्ट वैल्यू 2+2 की दे देंगे अगर आप रन करेंगे, ठीक है ना, ये पता होना जरूरी है, मतलब है कि बिल्कुल बेसिक सी चीज है। ठीक ओके सर, क्लियर हो है, गया। और किसी को कोई सवाल पूछना है तो हम शुरू से शुरू कर रहे हैं आज। ओके, आप लोगों में से कोई जो जो क्लास में थे वो आप लोगों में से कोई रिवाइज करवाए? ये सारी चीजें जी यहाँ सर, लिखी हुई हैं। मैं जी, स्टार्ट करूं, चले मैं जी। रिवाइज करूं। हाँ जी, कल बोलिए। हमने सबसे पहले ये देखा कि हमें कोई भी वैल्यू हो को प्रिंट कैसे करवानी है, लाइक हमने सबसे स्टार्ट में देखा कि प्रिंट अच्छा, इसका जैसे उम्मारा, होप सो मैं नाम सही पढ़ रहा हूँ, अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके ये रिपीट करा दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। सर मेरे पास मोबाइल पे है, लेकिन यहीं पे सामने से मैं यूज कर दूंगी, या मैं बोल दूंगी, चल मेरे ठीक पास है, अभी आप स्क्रीन इसी शेयर चेक नहीं। कर, चलें सॉरी, ठीक है, चलें ठीक है। नेक्स्ट टाइम से कल जो हमने इंशाल्लाह। वो तो आपको, वो कल जो चीज़ें हमने की थी वो तो आपको क्लियर है? जी, और मैं बता दूंगी। चलें चलें ठीक है, जो होगा वो हम कर लेंगे। ठीक है। कल सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें अगर कोई कोई नेम प्रिंट कराना है, कोई नंबर प्रिंट करवाना है, तो वो कैसे प्रिंट करवाएंगे, कि प्रिंट का जो सिंटेक्स है वो ये है कि प्रिंट हम लिखते हैं, देन हम स्क्वेयर ब्रैकेट्स इनवर्टेड कॉमास में कोई भी, अगर हमने स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है, कि कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स, तो लाइक अली पाकिस्तान, कोई भी अपना नाम मैंने प्रिंट करवाना है, तो ये है। तो प्रिंट हमारे पास सबसे, हमने कहा कि प्रिंट क्या था, प्रिंट हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन था पाइथन में कि जो हमारे पास कोई भी वैल्यू को प्रिंट करता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि हमारे पास, हमने किसी भी वैल्यू को उसको किसी में मीन्स के हमने उसको वेरिएबल का नाम दिया, और उसको हमने कहा वेरिएबल क्या चीज है, कि वेरिएबल एक हमारा एक नाम है जो हमने किसी मेमोरी लोकेशन को, किसी कंटेनर को दिया है, कि जो किसी भी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करता है। और हमने इसको एज अ वेरिएबल क्यों लिया, मींस हमने इसको किसी भी वैल्यू को स्टोर क्यों करवाया, क्योंकि अगर आप प्रोग्राम में आगे हमें कोडिंग में कभी भी इस नंबर को या इस वैल्यू को हमें यूज करना हो, तो हम इसको उस वेरिएबल से रिकॉल करेंगे, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम इस नंबर को किसी भी एज अ वेरिएबल नहीं लेंगे, मीन्स हम इसको स्टोर नहीं करेंगे किसी भी उसके नाम से, या किसी वजह से उसको नाम कोई नहीं देंगे, तो देन हम उसको उसी टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, फिर इसको लेटर हम प्रोग्राम में यूज नहीं कर सॉरी सकते, टू तो इसका ये इंटरप्ट यूज। यू, आप काइंडली स्लो बोलिए, आप बहुत फास्ट बोल रही हैं। सॉरी सॉरी,
तो हमने इसलिए किया कि हमारे पास वेरिएबल का ये काम था कि हम इसको देन प्रोग्राम में आगे हम दोबारा यूज कर सके, रिकॉल कर सके. लाइक हमारे पास अगर यहाँ 20 को हमने ए स्मॉल ए से इसका नाम दे दिया, इसको वेरिएबल ले लिया, तो अब हमें अगर प्रोग्राम में दोबारा इस 20 को हमने यूज करना होगा तो हम रिकॉल कर लेंगे कि मीन्स इस ए को इसके नाम से ले लेंगे. तो अब वो उसका ये मतलब हो कि वो ए को मीन्स ए को नहीं प्रिंट कर रहा है, उसकी जो अंदर वैल्यू स्टोर हुई हुई है उसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको वो प्रिंट करेगा और उसको यूज करेगा. देन हमने देखा कि जो हमारे पास जो पाइथन है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. इसमें ये है कि अगर हम जो लोअर केस लेटर से किसी को वेरिएबल का नाम देते हैं और अपर केस से देते हैं तो ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, मीन्स के दोनों सेम नहीं होंगे. तो उसके एग्जांपल हमने दोबारा की थी कि स्मॉल जो लेटर था ए उसको हमने एक जो वेरिएबल का नाम दिया 20 को स्मॉल ए से दिया और दूसरे को 40 को हमने कैपिटल ए से किया, तो उसने और हमने कहा कि वो प्रिंट करे कैपिटल ए, तो उसने 40 प्रिंट कर दिया क्योंकि उसने ये स्मॉल जो अपर केस लेटर्स हैं और लोअर केस लेटर हैं पाइथन में दो डिफरेंट वे से लेके चलता है. देन हमने डेटा टाइप्स पढ़ी कि हमारे पास डेटा टाइप्स कौन सी थे, उनमें हमने इंटीजर्स पढ़े, फ्लोट किया, स्ट्रिंग किया, करेक्टर किया. इंटीजर्स में हमारे पास क्या था कि हमारे पास होल नंबर और 20, 1, 2, 3 कुछ इस तरीके से नंबर है. फ्लोट में हमारे पास डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, मीन्स पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाएंगी. स्ट्रिंग में हमारे पास कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स आ जाएगा और जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखते हैं, और करेक्टर में हमारे पास कोई भी सिंगल लेटर आ जाएगा और उसको हम पाइथन में करेक्टर नहीं होता. ये अच्छा, चीज आज क्लियर कर, इसमें बस ये तीन चीजें होती हैं. ठीक है. देन हमने ये पढ़ा कि हम कीवर्ड्स को एज अ वेरिएबल भी यूज़ नहीं कर सकते, और जो हमारे पास वैलिड करेक्टर्स हैं वो ये हैं कि हम लोअर केस लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, ए टू जी अपर केस लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स को 0 से 9 को यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं. अंडरस्कोर हम स्टार्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और एंड पे भी यूज़ कर सकते हैं. और अभी हमने ये एक चीज़ मैंने अभी क्लियर मीन्स क्वेश्चन भी पूछा था कि हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो हम स्टार्ट में नहीं लिख सकते. लाइक 1A हमने वेरिएबल दिया, नाम दिया, वेरिएबल का नाम दिया तो वो उसने प्रिंट नहीं किया, उसमें सिंटैक्स एरर आ गया. तो हमारे पास हम मिड में यूज कर सकते हैं, एंड में यूज कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट में नहीं यूज कर सकते. देन हमने ये भी देखा कि स्पेशल करेक्टर्स को भी हम स्टार्ट ऑफ वेरिएबल्स में लिखते हैं, जैसे एट द रेट ऑफ इसको हम यूज नहीं कर सकते. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देन हमने पढ़े कि हमारे पास एडिशन थी, सब्ट्रैक्शन थी, और एडिशन के लिए प्लस का साइन यूज करते थे और सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस का, और मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टेरिक, और पावर अगर लेनी है तो डबल स्टेरिक लगाएंगे, और जो डिवीजन है वो सिंगल स्लैश से. तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स थे कि अगर हम दो वैल्यूज लेते हैं, लाइक ए हमने 2 लिया, बी हमने 12 ले लिया, तो हमने 2 को जो है वो मींस वेरिएबल हमारे पास ए है, ए इक्वल टू 2 ये एक वेरिएबल है और बी इक्वल टू 12 एक वेरिएबल है. मैं अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इन दोनों को 12 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, मींस ए को बी से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं फिर क्या करूँगी कि ए डायरेक्ट बी कर दूंगी. और अगर मैं कहती हूँ कि मैं इस 2 की कोई पावर 2 की पावर 12 लेनी है तो देन ए तो डबल डायरेक्ट देन बी कर दूंगी, तो इसकी पावर आ जाएगा. और लिखने का तरीका ये प्रिंट करवाने का ये था कि प्रिंट और देन वही हमारे पास स्केयर ब्रैकेट स्मॉल स्केयर ब्रैकेट्स, और हमने कहा कि द वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लीकेशन इज देन वो ये एक स्ट्रिंग थी जो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखी है, ये एक स्ट्रिंग है, इसको एज इट इज वो प्रिंट करेगा, देन वो इवैल्यूएट करेगा ए स्टैरिक बी, मींस कि अब ए को बी से मल्टीप्लाई करके उसको वो प्रिंट कर देगा 24. और देन फिर हमने ये भी आखिर में ये भी पढ़ा था कि कमेंट्स कैसे लिखते हैं, मीन्स कि वो कमेंट्स ये ऐसी इंफॉर्मेशन जो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसको रन नहीं करेगा, लेकिन एज अ इंफॉर्मेशन या लाइक हम अगर अपनी अपना कोड किसी को सेंड करते हैं तो उसके लिए कमेंट्स साथ साथ लिख देंगे. उसको हम क्या करेंगे, पाउंड सिंबल से स्टार्ट में लिख देंगे ताकि नेक्स्ट पढ़ने वाले को ईजी रहे कि अब यहाँ से आगे क्या स्टार्ट होने लगा है, लेकिन वो कोड जो है वो आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोड में वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती, वो एज अ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पे होगी. जी बिल्कुल ठीक है. ठीक है जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन सर. जी सर. सर आपने कहा था अभी कि पाइथन में करेक्टर नहीं होता सर, तो सर जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं तो एक वैल्यू हम देते हैं सिंगल कोटेशन में और एक देते हैं डबल में, तो जो सिंगल कोटेशन वाली वैल्यू वो क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप? अच्छा, इसको डबल और सिंगल कोटेशन भी कर सकते हैं. ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एक मिनट मैं बाकी सारे. अच्छा, चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके इनको दिखा दें. जी जी, मैं वही कर रहा हूँ भाई. ये देखें यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है ना, द वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज, हम यहाँ पे डबल कोटेशन को खत्म कर देते हैं, सिंगल कोटेशन लगा देते हैं.
वो पीछे वाला कोड नहीं, वो नहीं होगा। ये देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मतलब। अच्छा सर जी, सर अभी जो हमारे पास ए वेरिएबल है जिसमें दो हमने असाइन किए हैं, तो सर अगर इस दो के ऊपर हम सिंगल कोटेशन दे दें तो सर ये स्ट्रिंग हो जाएगा या करेक्टर हो जाएगा या स्ट्रिंग ही होगा सर ये? स्ट्रिंग बन जाएगा। ओके सर, ठीक है सर। अली आप एक ऐसा काम यानी काम करें कि आप टाइप इनको चेक करना बताते, टाइप लिखें हाँ। उसके अंदर सिंगल कोटेशन में एक नाम लिखें और दूसरा टाइप लिख के उसे डबल कोटेशन में नाम लिखें। ठीक होगा, मैंने वो भी बता देता। इसमें हम ये करते हैं कि तो थोड़ा इजी हो जाएगा ना बनेगा सामान। ठीक टाइप, ये फंक्शन है जो आपको अपने डेटा की टाइप टाइप पूछने के लिए वो होता है, ठीक है। और उसके अलावा आप इसे उठा के यहाँ रख दें और यहाँ पर सिर्फ टाइप लिखना है। हाँ सही, टी टाइप आगे यानी कि उसमें फाइनल। हाँ वो तो एनालिसिस में हम यूज करते हैं, बिल्कुल उसमें एडवांस में। बिल्कुल, यहाँ पे हमने किया कि भाई हम सिंगल कोट में कर देते हैं इसे, ठीक है। और बी जो है हम उसे डबल कोट में कर देते हैं। अभी आप देखिएगा इनकी जो डेटा टाइप होगी उन दोनों की स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। ये देखें, ये भी स्ट्रिंग है, इससे हमने सिंगल कोट में रखा है, और ये भी स्ट्रिंग है, इसे हमने डबल कोट में रखा है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे 12 हमारे पास इंटीजर नहीं है। ये हमने इसे स्ट्रिंग बना दिया ना, देखिए हमने इसके इसको कोट के कोटेशन मार्क्स के अंदर कर दिया। मींस हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटीजर्स को यहाँ पे, लाइक 12 इटसेल्फ इंटीजर है और यहाँ पे जब हमने कॉमर्स में लिखा तो वो हमारे पास स्ट्रिंग बन गई। तो क्या स्ट्रिंग से हम दोबारा इंटीजर्स में जा सकते हैं? नहीं, स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर यही इन्वर्टेड इस सूरत में हो सकता है, बिल्कुल। आप ये कोटेशन मार्क्स खत्म कर दें, अब ये इंटीजर है, ये देखें, ठीक है। अच्छा सर एक और यानी कि एक बात जो मैंने सीखी कि डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर दुनिया के चाहे कोई भी चीज आप लिख दें, दुनिया का कोई स्पेशल करेक्टर लिख दें, दुनिया के कोई वैल्यूज लिख दें जो कि इंटीजर हो जो कि फ्लोट हो, पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो सिंगल या डबल कोटेशन के अंदर है तो वो समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग है चाहे कुछ भी हो। और हम कन्वर्ट की बात कर रहे हैं तो कन्वर्ट होते हैं पाइथन में, इंट का फंक्शन है, अगर उसके अंदर मैं स्ट्रिंग दे दूं तो उसे कन्वर्ट कर देगा नंबर में। बिल्कुल, और एक और चीज इसमें ये है कि अगर आप इस तरह एक स्ट्रिंग आपने बनाया हुआ है ना, उसे आप किसी इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मल्टीप्लाइड वैल्यू नहीं देगा, वो उससे उतनी मरतबा प्रिंट कर देगा। जिस तरह हमने यहाँ पे सिखा था भाई ए है हमारे पास 2 और बी को हमने स्ट्रिंग बना दिया था 12 को, ठीक है। तो हमने सिखा कि भाई ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसने यहाँ पे 2 मरतबा 12 हमें प्रिंट करवा दिया। अच्छा सर एक छोटा सा मेरे लिए काम कर सकते हैं? जी जी, जहाँ पे आपने लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू 12 यानी कि स्ट्रिंग, इसके नीचे एक लाइन डालें, इंटर करें, नहीं यानी इसके इसी शेयर के अंदर, चलें इधर ही कर दें क्वेश्चन है। सी इज इक्वल टू इंट लिखें, INT। अच्छा इंटीजर इंट ओपन ब्रैकेट, इसके अंदर बी दे दे और अब सी की टाइप चेक करें नीचे। हमने दोबारा से एक्सप्लिसिटली से वो कर दिया, अब सर सी की टाइप चेक करें। इंटीजर, बिल्कुल। अब हम सी से तो बिल्कुल आप मतलब है कि बी है ना, ये बी का मतलब ये है, आप इसे सी से मल्टीप्लाई करने दोबारा से वो 24 आ जाए। तो सर इसमें कोई कंडीशन होगी, मींस कि अगर हम कन्वर्जन करें लाइक स्ट्रिंग से इंटीजर की इंटीजर से हमने स्ट्रिंग करें, तो इसमें कोई कंडीशन होगी कि अगर ये चीज होगी तो मींस कन्वर्जन हो सकती है, या हर इंटीजर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सकता है और हर स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है? लाइक अगर यहाँ मैं 12A लिख दूं, मींस बी इक्वल्स टू 12A दूं, ये है तो क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स में और ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन इसको अब मैं इंटीजर में तो नहीं कन्वर्ट कर सकती क्योंकि 12A इज नॉट इंटीजर। नहीं, जो एक्सप्लिसिटली स्ट्रिंग है ना, जिस तरह ये है द वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, इसे आपने इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट ही स्ट्रिंग है, आप फिर से इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं, यहाँ पे हम इसे 12 कर देते हैं, ये देखें, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद बेस 10,
ठीक है। बिल्कुल, और सर अगर हम यहाँ कन्वर्ट हो गए जब सिर्फ नंबर्स हो स्ट्रिंग में, सिर्फ नंबर्स, बिल्कुल कोई और बिल्कुल चीज आ गई तो कभी उसे कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। नहीं, कभी नहीं करेगा लाइक क्योंकि इधर बाय इंट ई डिफॉल्ट आई तरीके से। जी, सी इक्वल्स टू इंट ऑफ बी मींस इंट वाला फंक्शन उन्होंने यूज किया हुआ है इसको इंटीजर के मींस स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, तो जब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो एसटीआर इसकी फॉर्म वो लिखेंगे। जी ऐसे ही है। सर अगर नंबर फ्लोट में हो तो जी उसको बिल्कुल इंट के फंक्शन से कन्वर्ट कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नंबर फ्लोट में इस तरीके से ना, आप यहाँ पे करते हैं डी इज इक्वल टू 20.0, ऐसे आप इसे बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी जो सर जे इस के नंबर को स्ट्रिंग करें सर, सर इस नंबर को स्ट्रिंग करें फिर उसको इंट में कन्वर्ट करें, हो जाएगा सर ऐसे? हो जाएगा, बिल्कुल स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट से इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं। या आप देखना चाहते हैं कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो सके, इसके फंक्शन ये बिहेव वैसे ही करेगा जैसे कि इंटीजर बिहेव करता सर अभी आपने किया ना, जैसे कि आपने ए लगाया तो उसने कन्वर्ट नहीं किया, जब 12 है। था जी तो उसने कन्वर्ट किया था, तो उसने कहा जी कि आपका पहले स्ट्रिंग है उसको नंबर के सिवा कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये जो नंबर है 20.0 ये एक फ्लोट नंबर है, तो जब बिल्कुल आगे हम इंट का फंक्शन लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये देखना चाह रहे थे। ये हो जाएगा, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे ऐसे कहें कि भाई ठीक है सर। आप इसे कहें कि डी, ये देखें 0.0 खत्म हो गया, ये इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। यस सर ये देखना चाह सर। ठीक है, ओके सर ठीक है। तो अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं। जी और किसी ने कुछ पूछना है तो और किसी को किसी और चीज में कोई कॉम्प्लिकेशन? आई गेस सबको क्लियर है। अच्छा चार्ली, ये जो ब्लैक स्पॉट आ रहा है इसे आप हटा नहीं सकते? क्या चीज ये ब्लैक स्पॉट ये ये ब्लैक वाला स्पॉट ये वाला अब हाँ, सही है? जो स्क्रीन के बीच पे है, ये की मेरे पास अब तो हट अभी गया भी शो हो रहा है। ये? नहीं मेरे पास तो शो हो रहा है। सर हमारे पास भी शो हो रहा है, नीचे जहां पे आप टाइप कर रहे हैं ना वहां पे नजर कुछ भी नहीं आ रहा। ये चीज कर्सर नजर आ रहा है सर ये जो जी, इंटर अभी वो वैल्यू वाला लास्ट वाला सेल प्रोग्राम लिखे नजर आ इनपुट रहा वाला, इसमें नहीं नजर है। आ नहीं रहा। नजर नहीं आ रहा, ये ब्लैक स्पॉट क्यों आ रहा है? कुछ कोई है कोई विंडो है, यानी नहीं विंडो तो सारी बंद है, एक थी ऊपर चढ़ गई के है। जो माइक वाली विंडो होती है ना वो होती है, तो शायद उसकी वजह से हो, राइट? तो उसको ऊपर कर दें, वहां पे एरो होगा साइड पे, उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर चली जाएगी खुद ही। अब है आप सेंटर में ठीक है, सही है? अब नीचे वाली मुझे भी नजर आ रही है, किसी और को नजर आ रही है? जी सर अभी जी भी सर वैसे ही नीचे है। ही ये सर वहीं पे है, ए और बी की वैल्यू नजर आ रही है कि इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ ए और इनपुट द इंटर द वैल्यू ऑफ बी, बाकी नहीं नजर आ रहा कुछ भी। सर, मुझे सही है बाकी सर सब नजर नजर आ आ रही है रहा है। वैल्यू सर, सही है नजर आ रहा है सबको। अच्छा, उनके पास थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा स्लो होगा तो इसलिए उनको पास स्क्रीन थोड़ा लेट जाएगी।
मल्टीप्लिकेशन ये अरे आप कंटिन्यू करें। स्प्रिंग स्प्रिंग कौन सा फिर ओपन एस फोर चार चल गए आखिरी वाले में मिस्टर दो चल गए मैं खाली ऊपर भी मैंने एरर दी एक्सक्यूज मी सर जी जी ये स्क्रीन मेरे पास स्टक है या सबके पास ऐसी है यानी कि बिल्कुल उल्टी हुई वजह से। अली आप अगर सर आप वो करें ना शेयर स्टॉप करके दोबारा करें सर हमारे पास विस्टिक ही है स्क्रीन सर ठीक है मैं दोबारा कर लेता हूँ। अभी शेयर हो गया सबके पास जी अब ठीक है ये फिर से शेयर करें यस सर अब ठीक है अब मूव हो रही है राइट अब ठीक हाँ मूव तो हो रही है बट चलें अब ठीक है मैं ये समझ लिया तो अब हम इसे चला सकते एट अच्छा सर जी बेसिकली सर ये इनपुट आप क्यों यूज कर रहे हैं पहले ये थोड़ा मुझे क्लियर करिएगा मुझे नहीं पता ये क्यों आप यूज मैं इनपुट इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हमने एक कैलकुलेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनपुट लेके फिर नहीं इनपुट का क्या मकसद यूज करने का सर इनपुट एक फंक्शन है जो यूजर से इनपुट की मर्जी का इनपुट लेने के लिए यूज होता है। अच्छा यानी हम यूजर को बोल रहे हैं कोई मुझे वैल्यू इनपुट दो और मैं इसके अंदर जो भी कोटेशन में लिखूंगा वो यूजर को शो होगा है ना ताकि उसे पता चले कि मैं क्या मांग रहा हूँ राइट सर अच्छा सर मैं बस के एरर क्या है मैं बताता हूँ एरर मुझे लग रहा है जी कोई और बताना चाहे डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना इनपुट की वो स्ट्रिंग होती है और आप इंटीजर दे रहे हैं तो सर हमें क्या करना करेगा हम इनपुट को इंट में बेसिकली कोटेड कर देंगे इंट ब्रैकेट ओपन उसके अंदर इनपुट लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज टाइप कास्ट यानी करेंगे बेसिकली आप किसी का टाइप कन्वर्जन करते हैं तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे टाइप कास्टिंग कहते हैं राइट बिल्कुल राइट अब सही हो जाएगा। अच्छा यानी सर जो मैं समझा हूँ इससे हम कर क्या रहे हैं सबसे पहले इनपुट लेंगे इनपुट आएगा इंटीजर के पास और उस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करके ए में स्टोर कर देंगे हम राइट बिल्कुल ऐसा ही है ये एक और उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे बेसिक ऑपरेशंस हम इसमें हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं और मैं ऊपर से रिवाइज कर दूं सर मेरा एक क्वेश्चन है आपने ए और सी को मल्टीप्लाई किया हालांकि सी वेरिएबल तो आपने लिया ही नहीं बिल्कुल इसी वजह से इशू कर रहा ना ये सी हमने ऊपर लिया था ना उसी का वो मैंने कॉपी कर दिया था अब ये इसी को करेगा 5 5 ठीक है अब ठीक है सही है जी हमने से इस तरह कर लिया और अब मैं शुरू से रिपीट कर दूं आज की चीजें तो हमने कर ली है एक मिनट मॉड्यूलस डिवाइड ये तो कर लिया सारे चीज ठीक है अभी आप में से कोई जी 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 ये जो
हमारा मॉड्यूल मॉड्यूलस ऑपरेटर है, मॉड्यूल ऑपरेटर ये और इस डिवीजन ऑपरेटर में क्या फर्क है? मॉड्यूलस ऑपरेटर 5 1 यानी जो लास्ट वाला ऑपरेटर है वो मॉड्यूलस ऑपरेटर, जिसे परसेंटेज का साइन जिसे सर वो रिमाइंडर देगा कि मतलब डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचता है। हाँ सर बिल्कुल, वो रिमाइंडर मॉड्यूलस रिमाइंडर है। जी सर रिमाइंडर, और दूसरा डिवाइड वो जो ऊपर 5 1 से 5 था तो ऊपर 1 डिवाइड करके 5 को डिवाइड करने के बाद क्या बचा है ये वो बताएगा हमें। जी वो रिमाइंडर और दूसरा डिवाइड किया 1, बिल्कुल डिवाइड तो 1 5 5 को से कट जाएगा 1 आ जाएगा, 5 से 5 माइनस हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू, ठीक है। और इसके अलावा हम और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जिस तरीके से लूप्स वगैरह तो भी बोल जाएंगे। चले मैं ऊपर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर इसमें से किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ ले। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ, हमने इसमें सबसे पहले अच्छा तो स्टूडेंट से मैं पूछूंगा, आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट सब क्लियर है? वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्यों क्रिएट होते हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं? ग्रेट, यस सर। और ये इनपुट फंक्शन क्या है, प्रिंट फंक्शन क्या है, राइट? क्लियर है सब सर? इनपुट वाला अगर रिवाइज करवा दें दोबारा। जी बिल्कुल, इनपुट वाला मैं बता देता हूँ। जी सर, इनपुट का मतलब क्या होता है कि वैल्यू देना। अब इनपुट का फंक्शन लगा कर आप अपने यूजर से फर्ज करें कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने ये चलाया है, मैंने से कहा कि इनपुट लेना है आपको, पहले आपको लेनी है ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आप यहाँ पैसे देंगे। मतलब है कि एक होता है कि आपने ऊपर बता दिया ए इज इक्वल टू टू है और बी इज इक्वल टू थ्री है, इन दोनों के ऊपर फिर बाकी फंक्शन हो जाते हैं, ठीक है। और एक होता है कि आप यूजर को मौका देते हैं कि भाई आप बताओ कौन सी वैल्यू आपको करनी है, जिस तरह कैलकुलेटर्स वगैरह में होता है ना कि आप खुद उसमें कहते हो कि भाई ये करना है। इस तरीके से मींस के पहले हम खुद वैल्यूज देते थे, साइन करते थे वेरिएबल्स को, तो ये इनपुट एक ऐसा फंक्शन है कि मींस अब हमें खुद से वैल्यू नहीं देनी, ये जो यूजर्स होगा या उससे लेगा वैल्यू और देन फिर वो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा एडिशन और ये वाला, ऐसा ही है। राइट जैसे यानी मैं जो मैं समझाऊं अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग, तो मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि एक हम प्रोग्राम बनाते हैं कैलकुलेशन का या कुछ भी, वेब पे भी कोई प्रोग्राम हो जिसमें गूगल पे आप लिखते हैं, तो क्या हम प्रोग्राम ऐसा बनाते हैं जिसमें हम एक्सप्लिसिट वैल्यूज दें? एक्सप्लिसिट वैल्यूज देना मतलब खुद से वैल्यू फिक्स कर देना प्रोग्राम में, बट ऐसा अगर हम प्रोग्राम बना देंगे तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। वैल्यू तो हमने खुद से दी ना, हम चेंज कर सकेंगे प्रोग्राम जब रन हो रहा है, तो जब हमारा यूजर हमारे ऐप यूज करेगा उसको वैल्यू अपने हिसाब से देनी, तो वो कैसे देगा? तो यानी इसलिए हम इनपुट का फंक्शन होता है हमारे पास, या किसी प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो वहां पे कोई ना कोई मेथड होता है, जैसे सी प्लस प्लस में सी इन का होता है, राइट? बिल्कुल। हम इसलिए देते हैं, हमें जो यूजर है जो हमारा प्रोग्राम यूज करेगा, जो हमारे ऐप को इंस्टॉल करेगा, जो हमारी वेबसाइट को यूज करेगा, वो अपने मुताबिक हमें इनपुट दे हमारे प्रोग्राम को, फिर हमारा प्रोग्राम कैलकुलेशंस जो भी परफॉर्म करे, फिर जो भी हमारे प्रोग्राम का काम होगा वो डिफरेंट काम है, जैसे गूगल का सर्च करके देना है वो सर्च करके देगा, ठीक है। ऐसे डिफरेंट है कैलकुलेटर, कोई कैलकुलेशन ऑनलाइन हो तो आप एडिशन कर सकते हैं, कुछ भी। यूजर हमें वैल्यू दे, जो हमारा ऐप काम करेगा वो उसे परफॉर्म करके आउटपुट दे दे, राइट सर? तो सर यूज कर रहे हैं कि हम यूजर से इनपुट ले सके। जी बिल्कुल, वैल्यू हम ए और बी की जो यहाँ इंटर करनी है वो हम फ्लोट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, देन वो इंटीजर में कन्वर्ट होगी। बिल्कुल। अब इनपुट सबसे पहले, जी सर हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, एक मिनट। हम यहाँ पे फ्लोट वैल्यू देते हैं कि 20.3 ए की वैल्यू, ये देखें आपने इसे कह दिया कि भाई आपने इसे एक्सप्लिसिटली इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया कि इसको इंटीजर वैल्यू ही लेनी है, तो फिर आपने से हमने से यहाँ पे फ्लोट दिया, तो इसने कहा कि भाई हम फ्लोट लेते हैं, हम सिर्फ इंटीजर लेते हैं, हम इसे यहाँ पे फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब आप यहाँ पर अगर ऐसे वो वाली वैल्यू देंगे ना, जैसे आप इसे इंटीजर वैल्यू देते हैं तो ये ले लेगा, लेकिन अगर आप इंटीजर वाले पे फ्लोट वैल्यू देंगे तो वो नहीं लेगा, ठीक है? ठीक है सर। तो इसके अलावा इसमें अगर हम int वाला फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे तो देन हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि यहाँ सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे। नो नो सर, अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि आप फ्लोट हटा के इंटीजर दे और अगेन वैल्यू इनपुट दे, ये वर्क करना चाहिए इसे। चलो ठीक है, हम देख लेते हैं, लेकिन हमने किया था उसने नहीं लिया था, हम करके देख लेते हैं। आई गेस आई मैं एरर देखना चाहूंगा। एरर क्या है? इनवैलिड इंटरफेस विद 10.6 पॉइंट। आप सिर्फ पॉइंट ना दे, पॉइंट के बाद वैल्यू भी देके देखें, क्योंकि अगर हम इंटीजर को बी के ऊपर जा ही नहीं रहा ना। एक मिनट, सिर्फ 20 पॉइंट ना करें सर, आप 20 के बाद कुछ वैल्यू दें। ये देखें 0.33, सिर्फ बेस्ट। अगर फ्लोट करेंगे तो फ्लोट पे ये एक्सेप्ट कर लेगा इंटीजर वैल्यू, इंटीजर पे फ्लोट एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर आप सर आप इसे इंटीजर देख के देखें, इंटीजर देख लेते हैं आप, हम इसे करते हैं 20 और 30, ये ले। लेकिन हम इसे फ्लोट करेंगे तो फ्लोट पे इंटीजर वैल्यू ले लेगा। यस सर, फ्लोट में इंटीजर वैल्यू ले लेता है, इंटीजर में फ्लोट नहीं लेता। बिल्कुल सर। सर बेसिकली ये जो इनपुट फंक्शन है ये जो है ये डिफॉल्ट पे स्ट्रिंग ही लेता है सर, कोई और नहीं लेगा सर डिफॉल्ट पे, और अगर हमने कोई और वैल्यू देनी हो तो लाजमी का टाइप कास्टिंग करें सर। टाइप कास्टिंग जरूरी है, जब हमने पहले किया है तो उसने कहा है ना कि भाई बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए हमें इसे एक्सप्लिसिटली कहना पड़ेगा भाई इंटीजर लो। सर सर कोई लिमिट नहीं है स्ट्रिंग की? नहीं, स्ट्रिंग की लिमिट नहीं, आप पूरा पैराग्राफ पीस के अंदर लिख सकते हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर, अगर ये ऊपर इंट आप ना यूज करें तो फिर वो ले लेगा फ्लोट? फिर सर वो उठाएगा ही नहीं, एरर आ जाएगा। एक मिनट, मैं आपको करके दे दिखा देता हूँ। ये जिस तरह हमने पहले करने की कोशिश की थी तो उससे कहा था कि भाई हम सिर्फ स्ट्रिंग लेते हैं, इसलिए हमें एक्सप्लिसिटली इन्हें बताना पड़े कि भाई ये देखें इसे वैल्यूज ले तो नहीं है, लेकिन फिर उसे वो नहीं किया, उसने उस पर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया। कार्ड मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय इंटीजर ऑफ नॉन इंटीजर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। सर ये आई थिंक सो फिर एज अ स्ट्रिंग ले रहा है ये, इंटर द वैल्यू ऑफ ए और इन वैल्यूज को ये एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। ओके ठीक है, यानी कि अगर इस फंक्शन के आप बैकएंड पे जाए पाइथन में तो वहां पे इस तरह इंप्लीमेंटेशन हुई हुई है कि ये सिर्फ जो भी इसको वैल्यू मिलेगी वो इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेगा खुद से ही। बिल्कुल, जब आप फंक्शन क्रिएट करना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फंक्शन की बॉडी में कोड कैसे लिखते हैं, तो इसमें वैसे लिखा हुआ है बैकएंड पे। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक्सक्यूज मी सर, गुलेशन आप कह रहे हैं कि सिर्फ हम फ्लोट ही इसमें दे सकते हैं, दैट मींस कि इंट हम दे ही नहीं सकते? दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? तो एरर आ जाता है। ऐसा नहीं है। नहीं, सोहेब आपका क्वेश्चन क्या है? तो जिस तरह हमने ये 20-20 किया ए और बी पे तो वो एरर दे देता है, जब हम फ्लोट देते हैं तो वो एरर नहीं देता, राइट? नहीं, जब हम इसे कहते हैं, जब हम इसे एक्सप्लिसिटली कहते हैं ना कि फ्लोट लो तो उसके साथ इंटीजर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब हम इंटीजर हमने अभी इंटीजर किया हुआ है ना, हम इसे फ्लोट देंगे तो ये उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इंटीजर जब हम इसे एक्सप्लिसिटली करेंगे उस वक्त फ्लोट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन इंस्टेड ऑपोजिटली ये क्या नाम है, अगर हम इसे फ्लोट कहेंगे कि भाई आपके फ्लोट वैल्यू एक्सेप्ट करनी है तो ये साथ इंटीजर भी इंटीजर को भी एक तरीके से फ्लोट की उसमें लेके एक्सेप्ट कर लेता है। ओके okay. जो फर्स्ट लाइन है इस पे आप इंट को रिप्लेस करें आप फ्लोट से, एरर रिमूव होता है। थैंक यू। ये देखेंगे चल गए। ओके थैंक यू। ठीक है, और हम इसके अंदर और क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर फिर वेरिएबल्स वगैरह देख सकते हैं।
हम इसे कहते हैं कि भाई अच्छा आप अब सारे में किसी को अगर कोई मसला है तो बताएं और एक्सरसाइज करके देखें आप या फिर मुझे बताएं मैं क्या करके दिखाऊं। केस सेंसिटिविटी समझ आ गई थी सबको? यस सर। और वेरिएबल्स? यस सर। सर ये पूरा आएगा, सिमाल आएगा, सिमाल लेटर्स ऊपर। हाँ ये एक ये फंक्शन होता है जिसमें हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको अपर केस में और लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से लोअर भी होता है अगर आप इसे वो कर लें, इसके अंदर आप इसे सेव कर लें किसी एक और वेरिएबल के साथ, फिर आप यहाँ पे इससे कहें कि भाई इसे आप करो टी डॉट लोअर। ये देखें यहाँ पे पहले हमने इसे अपर में कन्वर्ट किया, फिर उसी को हमने लोअर में कन्वर्ट कर दिया तो दोबारा से पहले वाली स्टेट आ गई। ये वही वेरिएबल वाली चीज भी हमें यहाँ समझ आती है कि फर्ज करें कि ये लोअर वाली वैल्यू को हम यहाँ से उठा देते हैं और किसी दूसरे सेल में रख देते हैं। फिर हम अगर ये सिर्फ वैल्यू होगी तो हम उसे कहेंगे कि भाई अगर हम फिर हम उसे वैल्यू किस तरह देंगे, किस तरह बताएंगे कि हमने कहाँ पे वो चीज़ सेव की हुई है जिसको इसने वो करना है, क्योंकि हमारे पास टी वेरिएबल है, टी के अंदर हमने अपर वैल्यू को पाकिस्तान को अपर करने में लार्ज लार्ज केस में लिखा हुआ है, तो फिर कैपिटल केस में। जी आफ्ताब बिन सर ये जो आपने अभी फंक्शन यूज किया अपर, जी 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 अगर हमारे पास कोई ऐसा लेटर हो जिसमें मिक्सचर हो, कुछ किस किस्म का मिक्सचर हो? हाँ सर जैसे कि पाकिस्तान में आपने लिखा है ना, तो उसका अगर पी जो है वो पहले ही अपर हो और बाकी जो लेटर हैं वो लोअर हो, तो अगर हम इसमें तो अपर फंक्शन को कॉल करें तो पी वही रहेगा और बाकियों को जो अपर कर देगा। बिल्कुल। और सर लोअर में भी सेम होगा कि वो देखेगा कि कौन कौन से लेटर जो है वो अपर है उनको लोअर कर देगा और जो पहले से लोअर है उनको वही रहने देगा सर? हाँ बिल्कुल ऐसे ही करेगा। ठीक है सर, मतलब ये सर ऑल जो लेटर जितने भी है सबको चेक करेगा सर? जी जी बिल्कुल। ओके सर। सर फॉर एग्जांपल अगर ये पाकिस्तान करैक्टर है, अगर इसके अंदर वन या कोई और करैक्टर होता तब उसके साथ क्या होता फिर? हम ये भी देख लेते हैं। वो से एज अ स्ट्रिंग ही ले रहा है, वन 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 को वन ही लिखेगा। हम इसका उसके में कैपिटल केस भी रिटर्न करवा लेते हैं पहले। ये देखें उसने उस डिजिट को नहीं छेड़ा, वैसे ही प्रिंट करवा दो। ठीक है जी। और कोई अच्छा आप में से किसी ने ये आईडी या जुपिटर को इंस्टॉल करके थोड़ी प्रैक्टिस की प्रोग्रामिंग की? सर मैंने तो इंस्टॉल करने की कोशिश की थी, मुझे तो मेथड ही नहीं आया, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि ये है क्या। अच्छा आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? जी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा आपके पास, विंडोज है? हाँ जी विंडोज 10। विंडोज 10 ठीक है राइट। तो जी जी गुल भाई बताएं। अभी हमारे पास कुछ टाइम है, 5-10 मिनट में ट्राई कर सकता हूँ इंस्टॉलेशन दिखाने के लिए, या सर आप बता दें।
नहीं सर, आप बताएं, बिस्मिल्लाह, मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, इसमें यहाँ तक सारी चीजें सब कुछ समझ आ गई? यस सर। किसी और कोई मसला यहाँ पे किसी भी किस्म का? सर अगर आज इससे रिलेटेड जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या प्रैक्टिस सेट होता तो उसको मिस का लग या करके ले आते, खुद से प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल, आप इस कैलकुलेटर को आप जितना कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं उतना कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा आप वो ले लें, इनपुट ले लें और मल्टीपल फ्रैक्शंस बना लें। इसके मतलब है कि ये देखें, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। आप यहाँ ए भी है ना, आप यहाँ पर सी भी ले लें और सी आप एक्सप्लिसिटली बता दें कि सी है ना ही। फिर यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है तो आप यहाँ पे से साथ डिवाइड कर दें, अगर प्लस है तो फिर आगे डिवाइड सी, प्लस है तो माइनस करने सी को, माइनस है तो प्लस करने सी को, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करने सी को, इस तरीके से। जी सर, हम ऐसा कर सकते हैं कि आपने पहले जैसे हमने दो वैल्यूज ली, उसके बाद जी हमसे पूछे कि आप क्या कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो अगर हम प्लस पे क्लिक करें तो प्लस करके दे, अगर माइनस का जो है साइन वो करें तो माइनस करके दे। सर, स्विच केस जो हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा था वो इसमें बिल्कुल यूज कर सकते हैं सर? शायद हम यहाँ पे चॉइस ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये हम बेसिक कर रहे हैं ना भाई। बिल्कुल बेसिक में मैं अगर आपको कहना मैं ट्रांसक्रिप्ट लिखवाने बैठ जाऊँ तो फिर ना आपको समझ आएगी ना मैं समझा सकूंगा। ओके सर, करने को वो बिल्कुल हो सकता है और वो सर एक तरीके से। हम खुद करके आए सर, हाँ जी, ये मैं एक्सरसाइज। आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। हाँ ये देखें, यहाँ पे आपने ए दिया 5 और वो दिया 6, फिर ये सारी वैल्यूज उसने हमें यहाँ पे लाकर दे दी। ठीक है, ये देखें 6 5, सबसे पहले क्या था 5 × 6, और उसने सी से 9 से डिवाइड कर दिया, 30 को 9 से डिवाइड करके उसने यहाँ पे आपको वैल्यू दे दी। इस तरीके से आप अपनी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करें और आप इसमें अपना नाम भी इनपुट कर सकते हैं, और अगर उस अपने नाम को आप किसी से किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा क्या कहते हैं, उतनी मरतबा रिपीट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिंग है। ये भी हमने देखा था ऊपर, अगर मैं आपको दिखा सकूं, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को किया था ना, और फिर हमने यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दिया था एक को सी से। हाँ इसको हम 20 मल्टीप्लाई करते हैं, हम यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करते हैं, बी आ गया हमारे पास, और फिर ये जो है बी हमने 12 को स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, और ए हमारे पास इसका था ए इज इक्वल टू 2, ए इंटीजर है और बी यहाँ पे स्ट्रिंग है। हमने इसे रन किया, इसे रन किया, इसे रन किया, इसे रन किया, तो ये देखें इससे 2 मरतबा इसको वो कर दिया, रिपीट कर 2 मरतबा प्रिंट करवा दिया। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग है, अगर आप इसकी वैल्यू चेंज भी कर दें, मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे है यहाँ पे गालिब है, तो ये 2 मरतबा इसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये देखें सर, इसका मतलब है कि हम अगर स्ट्रिंग को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीजर से किसी से भी, तो इतने इसका मतलब है कि स्ट्रिंग को वो उतनी दफा प्रिंट कर देगा। बिल्कुल ठीक है, और एक और चीज थी कि कुछ आप में से ही किसी ने पूछा था कि हम एक्सप्लिसिट जो स्ट्रिंग होता है, जो कोई किसी का नाम हो गया या कुछ भी हो गया, उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं, ये भी हम अभी देख लेते हैं। आपने निकाला कि भाई एफ इज इक्वल टू, आप यहाँ पे ऐसे कह देते हैं, ये देखेंगे यहाँ पे आपको एरर दे देगा कि भाई ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके बेसिक सिंटेक्स को वायोलेट करने की कोशिश की है। ठीक है, बेसिक रूल को वायोलेट करने की कोशिश की, इसलिए हमने इसे इसने हमें यहाँ पे एरर दे दिया। ठीक है।
लेकिन दूसरी तरफ जब हमने इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई किया था, वहां पे इसने एरर नहीं दिया, क्योंकि वो हो सकता है क्योंकि वो पहले से उसका उसकी जो डिफॉल्ट डेटा टाइप थी वो इंटीजर ही थी, उसको तो हमने अपनी मर्जी से स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था ताकि हम किसी और स्ट्रिंग के साथ उसको ही कर सके। ठीक है, और एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूँ, जब हम अब दो स्ट्रिंग को प्लस करते हैं ना, आप इसे कहेंगे भाई टी और एस, ठीक है, यहाँ पे आप टी प्लस एस करते हैं तो ये देखें ये भी इस तरीके से ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर किसी और को और कोई पूछना है तो काइंडली मेरे से पूछना है। अगर मैं स्ट्रिंग और इंटीजर को कंकेटिनेट करूं तो इंटीजर को वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने इंटीजर क्या लिया था, इंटीजर हमने टू लिया हुआ था ना ए को, ठीक है, हम यहाँ पे इसे कहते हैं टी प्लस ए, ये देखें नहीं हो सकता क्योंकि उनकी डेटा टाइप अलग अलग है, डिफॉल्ट डेटा टाइप, ठीक है, यहाँ यहीं पे उसने क्या दिया कि भाई कैन नॉट कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग, ठीक है। और चलो ठीक है, किसको सबको समझ आ गया? यस सर, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सरसाइज दी है कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर बनाने की, वो आप कल बना के आएगा, और कल मैं आपको इसी इसी क्लास के मतलब में हमने जो चीजें की हैं वो दो तीन और एक्सरसाइज दूंगा। ठीक है जी अगर ये इंस्टॉलेशन का आप थोड़ा सा बता दें दोबारा से हमें। जी गुल भाई, मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ, आप जरा अपनी स्क्रीन शेयर करके बता दें। ठीक है राइट, हमारे पास ऐसे टाइम अप हो गया है, 5 मिनट मैं पड़े फिर हैं, भी बता बता दें। देता हूँ। चलें आपको विजिबल है स्क्रीन, राइट। यस सर, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। सबके पास हो जाए अदरवाइज मैं उबंटू पे आपको बता दूंगा, और ये ना हो पाए तो सो लेट्स सी। ओके, विंडो एरर दे रही है हमारे पास। चले मैं डायरेक्ट उबंटू पे बता देता हूँ, इंस्टॉलेशन इजी है। तो आपने जाना है ब्राउजर में एना कोंडा लिख लेना, ठीक है, एना कोंडा लिख के, एना कोंडा डाउनलोड लिख के, नो इशू। आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी, इंस्टॉलिंग ऑन विंडोज, क्योंकि आपके पास मोस्टली विंडो है, ठीक है, मेरे पास नहीं है, तो मैं विंडोज सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं सपोज कर रहा हूँ मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, राइट, जब तक हम इसे स्टार्ट भी कर देते हैं। टू स्टार्ट, ओके, सो लेट्स सी। ठीक है, देन इंस्टॉलिंग ऑन विंडोज, इसने मेथड बता दिया आई गेस। नीचे चलते हैं, नहीं हमें डाउनलोड का चाहिए, मेथड नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको मेथड के पेज पे लेके जाए तो आपने बैक चला जाना है यहाँ से, हमें देखना है डाउनलोड कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं रहा तो हम लिख लेंगे डाउनलोड। अब आपने देखना है आपका विंडोज सिस्टम कौन सा है, राइट, आपका हो सकता है कि 64 बिट हो सकता है कि 32 बिट, तो आपने उस हिसाब से एनाकोंडा को इंस्टॉल करना होगा। एंड लेट्स सी, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन हमें कहाँ दे रहा है, एनाकोंडा रिसोर्स पार्टनर्स ब्लॉक्स कंपनी नीचे होगा, नीचे है ना। चले थैंक यू बताने के लिए, लेट्स सी के है नीचे इनकी साइट पे या नहीं।
सर हम ब्राउजर पे भी इसको यूज कर सकते हैं ना सर, जुपिटर को सर? हाँ वैसे का यूज तो कर सकते हैं, बेसिकली वो मैंने कभी किया नहीं। जी यूज कर सकते हैं, उसके लिए ना पैकेज इंस्टॉलर होता है पिप का ना, पाइथन का ही होता है बाय डिफॉल्ट, कुछ में बाय डिफॉल्ट होता है कुछ में नहीं होता, तो उससे उसका एनवायरमेंटल वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है अपने सिस्टम में ना, जब वो क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद चलेगा वो। तो अभी नहीं आ रहा बेसिकली, हमें देखना पड़ेगा। आप पाइथन को डाउनलोड कर लेना, उसकी जरूरत नहीं होती आई गेस, लेकिन VS कोड ज्यादा रहता है पाइथन के ऑफिशियल साइट आ जाती है। अगर आप में से कोई VS कोड यूज करता है, अगर आप में से कोई VS कोड यूज करता है ना, तो उसमें आप डायरेक्ट एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करें पाइथन की और जुपिटर नोटबुक की, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं अगर तो कोई VS कोड यूज करता है। बिगिनर के लिए बेस्ट है VS कोड मेरे ख्याल में। जी जी, अगर आप फर्स्ट टाइम कोडिंग लिख रहे हैं ना, तो VS कोड इज बेस्ट फॉर द बिगनर जिसे कहते हैं ना, उसे उसे कोड की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि वहां पे इंटेलिजेंसेस भी होती हैं पाइथन की ना, वो खुद ब खुद हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती हैं कि आप जी जी यहां पे बग्स आते हैं वो भी बता रही होती है वो। जी ऐसे ही है। हाँ बेसिकली आप सही कर रहे हैं, पाइथन के लिए VS कोड है बस, मोस्ट जब बिगिनर्स के लिए वो ना कोडा या कोलैब किया जाता है, बट VS कोड के इंस्टॉलेशन में बता दूंगा क्योंकि मैं VS कोड यूज करता हूँ खुद। तो विंडोज में एक थोड़ा सा मेरे पास विंडोज चल जाती तो मैं बता देता इंस्टॉलेशन और टाइम अप हो गया, बट आई गेस अभी ये मेरे कीबोर्ड का इनपुट नहीं ले रही। ओके अभी ले रहा है तो ये विंडो स्टार्ट होने में टाइम लेगी। मैं अभी इस पे इंस्टॉलेशन करके दिखा देता स्टूडेंट्स को पाइथन की VS कोड की हम कर लेते भाई, काम करते हैं ना। आप प्राइवेट सेशन ऑन करके तो उसे रिकॉर्ड करके वहां पे डाल दें, तो उसके अंदर रिकॉर्डिंग से अच्छा है कि हम स्टूडेंट को शो कर दें, क्योंकि उतना हर स्टूडेंट का कुछ टाइम इस पे यूज होगा, उससे अच्छा हम एक ही ठीक है एक ही वक्त में टाइम भी किसी का ज्यादा ठीक है वहाँ पे यूज ना हो, क्योंकि हर कट सभी का टाइम इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे तो इजी रहेगा आई गेस। चले मैं सेशन को अभी जो है एंड करने जाना, क्योंकि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करना है, ये इंस्टॉलेशन में कल बता दूँ, नो इशू। हम पहले कल ये इंस्टॉलेशन देखेंगे उसके बाद फिर हम आगे। ओके सर ठीक है चलें, ग्रेट, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।